वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन इन यूरोप। तो सबसे पहले तो आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2021, नए साल का पहला दिन। तो आप सबों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, एंड आई विश ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत लकी हो, आप सब खुश रहे जहाँ भी रहे, हेल्दी रहे, दैट्स द विश 2021 के लिए। तो गाइज, इस बार जैसा कि हमें पता है 2021 न्यू ईयर ईव पे कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, फायरवर्क बैन था, पार्टीज बैन थी, नाइट कर्फ्यू था, तो 9 o'clock के बाहर कोई बाहर भी नहीं जा सकता था। तो बहुत ही शांत सा न्यू ईयर ईव रहा यहाँ जर्मनी में। और आज 1 जनवरी को भी यहाँ पे नेशनल हॉलीडे होता है, सब कुछ बंद रहता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं खुला होता, इसलिए आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल ही खाली एरिया है। और ये जो आयरन ब्रिज है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉक ब्रिज, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कितने सारे लॉक्स लगे हुए हैं। तो ऐसा कहते कि यहाँ पे लॉक लगाकर चाबी को यहाँ फेंकने से, नदी में फेंकने से विश पूरी होती है, तो इसलिए यहाँ पे इतने सारे लॉक्स दिख रहे हैं, और इसलिए इसको लॉक ब्रिज भी कहते हैं। यूरोप में ना आप कहीं भी चले जाओ, आपको ये आयरन ब्रिज, लॉक ब्रिज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत मानते हैं कि आप किसी भी नदी में अगर लॉक लगाकर विश मांगकर उस चाबी को फेंकते हो तो आपकी विश पूरी हो जाती है। सिमिलर टू एज जैसे हम इंडिया में करते हैं ना कि कॉइन पे विश मांगकर उसको फेंको, तो यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ का। तो अभी मैं फ्रैंकफर्ट के रिवर साइड पे हूँ, उसके आयरन ब्रिज पे हूँ, एंड इट्स वेरी क्वाइट आज, और काफ़ी ठंड भी है यहाँ। आज आई गेस 2 degrees है यहाँ पे, और रात तक इट्स एक्सपेक्टेड कि 0 degrees हो जाए, और कल को स्नोफॉल भी हुआ था, तो स्नोफॉल का भी आफ्टर इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा सर्दी है इधर। और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, सब कुछ ही बंद है, हॉलीडे है, तो आप ये देखो यहाँ पे लोग वाटर स्पोर्ट्स नहीं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट काइंड ऑफ लोग अपना पर्सनल बोट लेकर ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। आई स्टिल वंडर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है, और जब आप पानी में होंगे तो आपको और ज़्यादा ठंड लगेगी, बट बॉडी अडाप्ट कर लेता है, तो डर होके बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो आप मेरे बैक साइड से देख रहे हो ना, ये यहाँ का स्काईलाइन है, यहाँ पे जो सारी बड़ी वाली बिल्डिंग्स दिख रही है, तो बेसिकली ये बैंक की बिल्डिंग है, कॉमर्स बैंक की, जो द वन विथ अ टावर जो आपको दिख रही है, कॉमर्स बैंक की बिल्डिंग है। और मेरे इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये यहाँ का कैथेड्रल है, ये यहाँ का जो मेरे पीछे देखो ना, ये यहाँ का कैथेड्रल है। और क्योंकि अभी बोट्स वगैरह भी बंद है, तो यहाँ पे देखो सारी बोट्स ऐसी अलाउड नहीं है, अदरवाइज इट्स लाइक 10 euros के चार्ज होते हैं, एंड फॉर 40 minutes दे गिव यू अ राइड ऑफ इंटायर रिवर। और इसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी है, तो आप रेस्टोरेंट के लिए भी बुकिंग कर सकते हो, बट अभी क्योंकि कर्फ्यू चल रहा है एंड पार्शियल लॉकडाउन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, इसलिए ये बोट्स भी बंद है अभी।
तो अब मैं आ गई हूँ रिवर साइड के दूसरे साइड पे। अभी जो इसके पहले मैंने आपको दिखाया था वो ऑपोजिट साइड था, और अभी मैं इस तरफ आ गई हूँ कि बहुत ही फेमस एरिया है यहाँ का जो रिवर साइड है। यहाँ पे लोग वीकेंड एंजॉय करने आते हैं, पिकनिक के लिए आते हैं, प्लस इवनिंग वॉक एंड जॉगिंग के लिए भी वो यहाँ आते हैं। तो आप देख सकते हो ठंड के कारण यहाँ पर एक्चुअली कोई स्नोफॉल भी हुई है, इसलिए थोड़ा खुश भी हो चुकी है, और क्योंकि ठंड भी बहुत है और ये सारे पत्ते जा चुके हैं। अदरवाइज समर के टाइम पर जब यहाँ पूरी ग्रीनरी होती है तो ये और भी खूबसूरत लगता है। आज न्यू ईयर है बट स्टिल यहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं, कोई इवेंट नहीं, बिकॉज अभी का सिचुएशन ऐसा है। अदरवाइज लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत सुंदर डेकोरेशन भी था यहाँ का, और बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे थे। नॉट ऑन फर्स्ट को तो बंद रहता है, बट ऑन 31st।